लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। There has been a big statement that has been made by former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif hinting at better ties with India. As he is now returned to Pakistan, he has been hinting of having good relations with its neighbor country India. इस वक्त नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां मिलके हुकूमत बनाएंगे और इमरान खान की पार्टी बाहर रहेगी। क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे? ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, जाहिर है भारत के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज तो होते हैं, पड़ोसी हैं, बड़ा असर होता है कि कौन सा वजीर आजम आएगा, आया कि वो इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेगा, आया या वो एक्सट्रीम किस्म की जो है पॉलिसीज बनाएगा, तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बहुत से इंडियंस कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के अंदर कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन ये मेरा मानना है कि बहुत फर्क पड़ता है। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक कि अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये दो चार चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछें क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए अगर यहां पर आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाएं तो। जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी क्या, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत पे। कहा कि कौमी वकार की बहाली के लिए कशकोल तोड़ना जरूरी है, हमसायों समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। जय हिंद दोस्तों। तो नवाज़ शरीफ का कहना है कि भैया इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा, अब अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे मिलने गए थे लेकिन पब्लिक के दबाव में ये पलट गया था। इससे भी थोड़ी अब बातचीत हुई है स्वाभाविक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किस्सा भी सुनाया था कि जब वो पाकिस्तान अचानक से जाने का प्लान था उनका, तो SPG जो उनकी सुरक्षा करती है उसने भी मना किया था। पाकिस्तान ऐसे कैसे प्रधानमंत्री को ले जाते वो, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती गए। और स्वाभाविक है, जाने के बाद उन्होंने सोचा होगा रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन इन्होंने पीट में ही छुरा घोंपा था। लेकिन अब इनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। अब स्वाभाविक है, अमेरिका अगर इन्हें पैसे देता है तो भारत नाराज़ होगा, और इस समय भारत को तो कोई नाराज़ करना ही नहीं चाहता। भारत को नाराज़ करना यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर का गच्चा खाना, और भारत जैसी बड़ी मार्केट को हाथ से गवा देना, ये दुनिया में कोई नहीं चाहता। तो पाकिस्तान को अब पैसे मिलने इसीलिए बंद हुए। नहीं, आपको पता है पाकिस्तान जहाँ भी जाता था 5 बिलियन मांगे हैं तो 4 बिलियन तो मिल ही जाते थे। सऊदी अरब, UAE ये तो देते ही रहते थे, हमेशा देते रहते थे ये तो। बाकी के अमेरिका तो और अपने कुछ पर्सनल निजी कार निकालने के लिए देता ही रहता था, चीन भी देता रहता था। हालांकि अब चीन की स्थिति ख़राब है, चीन तो अभी भी दे देगा लेकिन उसके पास अब बचा नहीं है। 7 ट्रिलियन चीन के शेयर मार्केट से गायब होगा। 7 ट्रिलियन, हमारी अर्थव्यवस्था ही 4 ट्रिलियन है, सोचो कितना बड़ा गच्चा लगा होगा चीन को। तो चीन किस तरह से नीचे गिर रहा है, और पाकिस्तान को पैसा कोई दे सकता है? अमेरिका, UAE यही देश दे सकते हैं। सो अब वो देश नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भारत को नाराज़ नहीं कर सकते। इसीलिए अब ये लोग कह रहे हैं भारत से रिश्ते सुधारो। अब भारत रिश्ते सुधारना ही नहीं चाहता। अब आप उस स्थिति में, मतलब उस स्थिति में पहुंच गए हो कि अब भारत को आपकी ज़रूरत नहीं, आपको भारत की ज़रूरत है, और भारत के साथ आतंकवाद भी और रिश्ते भी अच्छे, तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। तो चलिए अब आगे वीडियो देखते हैं। किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक कि अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये दो चार चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछें क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए अगर यहाँ पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ, 25 करोड़ लोग हैं, उनके खून पसीने से किस्तें देंगे, आपको तो सिर्फ उन्होंने किस्तें देने के लिए रखा हुआ है। अगर आप मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन आरजू लास्ट, आप ईरान के साथ ट्रेड करें तरक्की हो जाएगी ना, स्मगलिंग बंद हो जाएगी, लेकिन आप नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, स्मगलिंग चाहते हैं।
पता है, पता है आपको चलाने वाले जो इस वक्त जो टूटे फूटे चला रहे हैं सारे हार्वर्ड के और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल सर ऐसे ही है, लेकिन शायद किसी को कोई ख्याल आ जाए। मगर सर मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बादामों का पैकेट भेजने वाली हूं कि उनकी मेमोरी आ जाए वापस, कि उनकी फैमिली में कितने लोग जो है वो डुअल नेशनल है और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो शायद याद कर पाए फिर। लेकिन 25 करोड़ लोग मान रहे हैं ना, वो ये पाकिस्तान को लूटने का अगला प्लान जो है वो देखें अब किस रुख बैठता है, ये बिल्कुल तैयारी हो चुकी है इस चीज की। दुख के साथ मैं कहूंगा मैं तो इनको सियासी पार्टियां मानता ही नहीं हूं, शुरू से आपको कहता हूं मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है, इस चीज का नाम सियासत नहीं है, इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, मैं इसको जमहूरियत भी नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं इमरान खान से 100 गुना नरेंद्र मोदी स्मार्ट है कि जिसने पहले भारत को इकोनॉमी तरक्की पे लगाया, तरक्की पे लगाने के बाद डेवलपमेंट की, वहां के लोगों का रोजगार बिल्ड किया, 250 मिलियन लोगों को उसने गुर्बत से निकाला और उसके बाद जाके उसने राम मंदिर बना लिया। गो के 1992 में जब बाबरी मस्जिद सारा कुछ हुआ तो राम की जन्मभूमि के ऊपर वो तहरीक चली, वो सारा कुछ हुआ, वो उसके माइंडसेट, वो लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हैं, समझदार है नरेंद्र मोदी, कि जिसने आज से 1992 में उसकी पार्टी ने सोचा, 2000 में उससे पहले उन्होंने उसको सीएम बनाया, उसने अपनी टर्म्स पूरी की, अपनी 3 टर्म्स पूरी करके उस वज़ीर-ए-आज़म बना, वज़ीर-ए-आज़म बन के मुल्क को एक डायरेक्शन पे लगाया, फिर उसने मजहबी एजेंडा दिया। लेकिन पहले आप लोगों को किसी डायरेक्शन पे लगाते हैं, आप पहले ये नहीं करते कि पहले लोगों को आप, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलिस्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, एक पॉपुलिस्ट लीडर है वो, लेकिन उसकी जो जिसे कहते हैं ना उसका स्टाइल और है, उसने पहले लोगों की इकोनॉमी ठीक की है, उसने लोगों को रोजगार दिया है, उसने लोगों, उसने अपने मुल्क का स्टेटस उठाया है। हमारे जो लीडर हैं पॉपुलिस्ट लीडर वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो जिसे वो कहते हैं ना वो क्या कर रहे हैं, हमारे लीडर से मोबिलाइजेशन पे यकीन रखते हैं, सड़कों पे आ जाओ, ये कर दो वो कर दो, रेडिकल रिफॉर्म एक भी नहीं की, हालांकि पॉपुलिस्ट लीडर का ये काम होता है कि वो रेडिकल रिफॉर्म करता है, एक भी रेडिकल रिफॉर्म नहीं की। जो पॉपुलिज्म है वो जिसे वो कहते हैं ना वो अपने स्पीचेस बड़ी तगड़ी देते हैं, उनका बिहेवियर्स बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, तो ये चाहते हैं कि भैया भारत से रिश्ते सुलझे। अच्छा एक बात और, यहाँ पाकिस्तान में जो चुनाव हुए हैं इसमें हाफिज सईद की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, आप बताइए उसका अच्छा जो जैसे कि मैनिफेस्ट होता है, जैसे कि कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो वादे करती है कि हम क्या क्या करेंगे आगे भविष्य में, जैसे अब मैं चुनाव लड़ता हूँ मान लो कोई सरपंच का चुनाव लड़ता है तो वो पब्लिक से वादे करता है, हालांकि वो पूरे करे नहीं करे, लेकिन इसकी पार्टी ने वादा किया था कि जैसे ही हम सत्ता में आते हैं तो हम भारत के साथ जिहाद करेंगे, मतलब खाने को नहीं है कुछ लेकिन जिहाद करेंगे। अब उससे आप दूसरी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो ये तो कह ही नहीं सकता कि हम डेवलपमेंट करेंगे, नई नई यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, नई नई रोजगार की लिए फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि बाहर से भी रोजगार आए, मतलब कि इन्वेस्टमेंट आए, हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे टूरिज्म हब बन जाए पाकिस्तान। अब इस तरह के बाद हाफिज सईद से आप उम्मीद करते हो, वो तो एक ही काम कर सकता है, भजवा हिंद, दूसरा उससे होना कुछ है नहीं, वो इसी का है बचपन से, तो वही करता आया है, हालांकि उसकी पार्टी को एक भी सीट इसलिए नहीं मिली क्योंकि पाकिस्तान के लोग इतना तो समझते हैं कि ये भारत से गजवा हिंद तो बाद में करेगा, क्योंकि उधर भी बहुत पावरफुल आर्मी बैठी हुई है, तो वो तो उससे गजवा हिंद के तो सपने छोड़ो, ये गजवा हिंद पाकिस्तान में ही करना शुरू कर देगा, जैसे कि तालिबान कर रहा है ना उन लोगों के साथ, अफगानिस्तानियों के साथ, किसी को भी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया उसके हाथ काट दिए। अब बताओ चोरी का इल्ज़ाम लगाया, कम से कम कुछ जांच वगैरह तो होनी चाहिए कि वास्तव में बंदे ने चोरी की है नहीं की है, और जांच ये लोग तो वैसे भी करने जा रहा है, हमास वो इज वो क्या तालिबानी जांच कर सकते हैं, कैपेबल हैं वो जांच कर रहे हैं, वो क्या जाँच करेंगे, वो तो अपने हिसाब से नियम चल रहा है उस हिसाब से किसी पर वैसे इल्ज़ाम लगा और उसको सजा दे डालते हैं, तो वही पाकिस्तान में होने वाला था, हालांकि उसको एक भी सीट नहीं मिली, बाकी जिनको भी सीट मिली है वो इनसे ज़्यादा भिन्न नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो बात कर रहा है कि भारत से बातचीत होनी चाहिए, बाकी जिस दिन उनके पास पैसा आ गया वो भी गजबा हिंदी चिल्लाएंगे।